हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे द्वीप समूह में कई जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। सितंबर माह भर चलने वाले इस कार्यक्रमों की कड़ी में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वीप समूह के कविगण डॉ. व्यासमणि त्रिपाठी, डॉ. मंजू नायर सहित अन्य कवि एवं कवियत्री उपस्थित थे। आरंभ में प्रतिभागी कवियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रतिभागी कवियों ने स्वरचित कविता पाठ किया। देव भजन से थर थर कापे, परशुराम का वंश सनातन, कभी कभी मुरली धर तो कभी शेष नाग पर विजय सनातन, कौरव शैली अमर निशाली, लोहर गद सा अजय भी सनातन, हम बने रचेता सृष्टि के, गीता से निकला वाक्य सनातन। जिंदगी एक शोर है, शोर का एक डोर है, डोर पे जड़े सांसों से टूटे सांसों की डोर तक जिंदगी एक शोर है। रिश्तों के रेशे भी है हथेली में रेत जैसे, हम सफर रास्तों के शमशान के द्वार तक है, जिंदगी एक शोर है। जिंदगी में हासिल बहुत है, सुख सुविधाओं की मंजिल बहुत है, प्रतियोगिता के प्रतियोगी बहुत है, सारा आयोजन समय की भोर तक है, जिंदगी एक शोर है। सांसों की बचत से समय की खपत तक, निश्चित सांसों के टूटने में जिंदगी का मोल है, जिंदगी एक शोर है। डोर का एक शोर है, डोर पे जड़े सांसों से टूटे सांसों की डोर तक जिंदगी एक शोर है। धीरे धीरे छूट रही हिंदी, अंग्रेजी ने हथियाली बिंदी, भाग रहे हैं देखो कैसे आगे, भाग रहे हैं देखो कैसे आगे, हर जगह अब अंग्रेजी की मांगे, हर जगह अब अंग्रेजी की मांगे। विचारों में क्यों आ गया बदलाव, विचारों में क्यों आ गया बदलाव, चल रही अंग्रेजी हिंदी को ठहराओ, चल रही अंग्रेजी हिंदी को ठहराओ। भूले जा रहे क्यों हम इतिहास है, भूले जा रहे क्यों हम इतिहास है, उड़ा रहे आज हिंदी का परिहास है, उड़ा रहे आज हिंदी का परिहास है। कितनी घोर निराशा है, कितनी घोर निराशा है, अपना ली किसी गैर की भाषा है, अपना ली किसी गैर की भाषा है। ना भूलो तुम इसके महत्व को, ना भूलो तुम इसके महत्व को, भारत देश के अस्तित्व को, भारत देश के अस्तित्व को, आज़ाद हुए थे हम इसके बल पर, आज़ाद हुए थे हम इसके बल पर, मैं ही थी जन जन के कण कण पर, मैं ही थी जन जन के कण कण पर, अतीत से जुड़ी मेरी परछाई, अतीत से जुड़ी मेरी परछाई, मत भूलो तुम ये सच्चाई, मत भूलो तुम ये सच्चाई, कैसे तुम मुझको भूले, कैसे तुम मुझको भूले, मैं तो तुम्हें भूल ना पाई, कैसे तुम मुझको भूले, मैं तो तुम्हें भूल ना पाई। आंसू ये मेरी खुशी के है, आंसू ये मेरी खुशी के है, नहीं कोई गम छुपाने जैसा, आंसू ये मेरी खुशी के है, नहीं कोई गम छुपाने जैसा। देश मेरा आगे बढ़े, देश मेरा आगे बढ़े, चाहे लेकर कोई भी भाषा, चाहे लेकर कोई भी भाषा। समय की पुकार ने बदला सूरत हाल, समय की पुकार ने बदला सूरत हाल, ना चाहकर भी अंग्रेजी को दिया ताल, ना चाहकर भी अंग्रेजी को दिया ताल, हिंदी हमारी इतनी महान, हिंदी हमारी इतनी महान, अतिथि भाषा को दिया ऐसा सम्मान, अतिथि भाषा को दिया ऐसा सम्मान। वर्तमान मुझे कभी भुला नहीं सकता, वर्तमान मुझे कभी भुला नहीं सकता, जिसने दर्द सहे हो, जिसने दर्द सहे हो, भविष्य उसे कभी मिटा नहीं सकता, भविष्य उसे कभी मिटा नहीं सकता। अंत में मैं दो वाक्यांश के साथ अपनी इस कविता को समाप्त करना चाहूँगा। अनेकता को एकता में पिरोती, यही हमारी पहचान है, अनेकता को एकता में पिरोती, यही हमारी पहचान है, हिंदुस्तान है हम, हिंदुस्तान है हम, हिंदी हमारी जुबान है, हिंदी हमारी जुबान है। मेरे जीवन का सुंदर हार है हिंदी, सभ्य जीवन जीने का आधार है हिंदी, मंदिर का वह सुंदर द्वार है हिंदी, जिसमें बहता संस्कार है हिंदी,
मीठे रस का भंडार है हिंदी, भावों की अभिव्यक्ति का द्वार है हिंदी, जिस पर लुटाती अपना प्यार है हिंदी, पढ़ने व पढ़ाने में सरल है ये हिंदी, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा आदि ने इसमें लिखा है, कवि सुर के सागर की गागर है ये हिंदी, स्वतंत्रता के संग्राम की पहचान है ये हिंदी, अनेकता में एकता को स्थापित करने का सूत्रधार है ये हिंदी, मेरे जीवन का सुंदर हार है ये हिंदी, सभ्य जीवन जीने का आधार है हिंदी। मन में आया एक विचार, स्वर्ग से सुंदर है या संसार, प्रकृति का अनुपम उपहार, अद्भुत है इसके रचनाकार। फिर भी लोग बैर के कारण एक दूसरे पर करते वार, स्वार्थ और आगे बढ़ने की होड़ में अपने प्रियजनों पर करते प्रहार। मानवता क्यों नहीं पनपती इनमें, अमन शांति क्यों नहीं आती, खुशियां क्यों नहीं हैं आती, क्यों मन में महफिल नहीं समाती, क्यों हम इतना गिर रहे हैं, आपस में फिर भिड़ रहे हैं, खून का रंग एक है फिर भी एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। कौन है सुकून में यहाँ, सबकी अलग अलग है परेशानियाँ, है चेहरे पर मुस्कुराहटें, पर दिल में भरी है तन्हाइयाँ। चल रहे हैं सफ़र में सब, लेकर अपनी अपनी बेचैनियाँ, बढ़ रहे हैं अंधेरी ज़िंदगी में, साथ छोड़ रही हैं परछाइयाँ। आओ बैठकर बात करें हम, ना दूसरों को दुखी करें हम, तेरा मेरा छोड़कर एक दूसरे को समझ पाएं हम, आओ बैठकर बात करें हम। देश में देसी, वेश में विदेशी, स्वर में हिंदी, संस्कार है स्वदेशी, दिल में अपना विश्व हमारा, विश्व में हिंदी की छाप हमारी। भाषाएं कई हैं तो बोलियां कई, व्यक्ति कई है तो अभिव्यक्तियां कई, भाषाओं की अभिव्यक्तियों को संजोती, विविधताओं में हिंदी की यही है संस्कृति। हाथ थामने वाले संस्कार को हाथ जोड़ने की कला सिखलाई, हाथ जोड़कर विश्व झुकाया, यह कला भी हिंदी से आई। ऋषि वैज्ञानिकों की बातें हिंदी थी, समझ अंग्रेजों को आई थी, लूट कर योग्यता महापुरुषों की पश्चिम से आंख दिखाई थी। गंगा जमुनी सभ्यता में पूर्वा हिंदी की बही है, एकजुटता हिंदी से सजी है, देश में राष्ट्रीयता बड़ी है। हिंदी माँ के आंचल जैसी निर्मल स्पर्श बिखेरी है, भारत के माथे पर सजकर भारतीयता को सुदृढ़ता दी है। आओ हिंदी दिवस मनाएं, हिंदी का व्यापक विस्तार कराएं, अपनी सभ्यता संस्कृति को समझाएं, हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि दिलवाएं। सुख की तलाश में वो दुख को बुना ना पाए, जो दुख को बुना पाए वो सुख में बुन जाए, जो मन की समझ ना पाए वो उपदेशों को बुनाने लगे, जो उपदेशों को बुनाने लगे वो संदेशों के सह में रह जाए, जो जन्मे जगदीरा को पाए वो मन से जगदीश्वर बन जाए, जो मन से जगदीश्वर हो जाए वो ईश्वर के कहलाए, जो मिथिया में जीना चाहे वो सत्य को कभी ना पाए, जो जीवन को समझ पाए वो मोक्ष की मिट्टी को जान जाए, जो स्वार्थ की वस्तुओं का मूल लगाए वो वास्तविकता को जीना पाए, जो माँ पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाए वो शाश्वत ईश्वर को पाए। विश्व पटल पर हिंदी का अपना स्वरूप अटल है, हिंदी ही वह भाषा है जिसका स्वरूप सकल है। विश्व पटल पर हिंदी का अपना स्वरूप अटल है,
हिंदी ही वह भाषा है जिसका स्वरूप सकल है। करो तुम तन मन से वंदन, करो तुम तन मन से वंदन जनगण की अभिलाषा का, आराधना और अभिनंदन करो अपनी संस्कृति और भाषा का, आराधना और अभिनंदन करो अपनी संस्कृति और भाषा का। हिंदी भाषा का सरताज, हिंदी भाषा का सरताज हिंदी गले का हार है, हिंदी जानो तुम मन से हिंदी जीवन का सार है, हिंदी जानो तुम मन से हिंदी जीवन का सार है। हिंदी मेरी प्यारी भाषा, हिंदी मेरी प्यारी भाषा हिंदी मेरी जुबान है, हिंदी से तुम प्रीत करो हिंदी ही मेरी पहचान है। हिंदी मेरी प्यारी भाषा हिंदी मेरी जुबान है, हिंदी से तुम प्रीत करो हिंदी ही मेरी पहचान है। हिंदी हमारा विश्वास आन बान और शान है, हिंदी हमारी बोली भाषा के लिए वरदान है। हिंदी हमारा विश्वास आन बान और शान है, हिंदी हमारी बोली भाषा के लिए वरदान है। सब कुछ छूट जाए भले ही हिंदी को ना मैं छोड़ूंगी, सब कुछ छूट जाए भले ही हिंदी मैं ना छोड़ूंगी, भारत के लोगों को मैं अपने भाषा से जोड़ूंगी, भारत के लोगों को मैं अपनी भाषा से जोड़ूंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हमारा मान है, हिंदी को समझो स्वयं से हिंदी हमारा स्वाभिमान है, हिंदी हमारा स्वाभिमान है। हिंदी सीखो हिंदी बोलो जिसका अभिरूप अचल है, हिंदी का प्रयोग करो नित जिसका नवरूप सचल है। और इसे मैं और एक बार कहना चाहूँगी, हिंदी सीखो हिंदी बोलो जिसका अभिरूप अचल है, हिंदी का प्रयोग करो नित जिसका नवरूप सचल है। हिंदी दिवस पर करे प्रण हम इसे बुलंदियों पर ले जाना है, हिंदी भाषा का मान बढ़ाकर इसे इतिहास बनाना है, इसे इतिहास बनाना है। हिंदी दिवस पर करे प्रण हम इसे बुलंदियों पर ले जाना है, हिंदी भाषा का मान बढ़ाकर इसे इतिहास बनाना है, इसे इतिहास बनाना है। विश्व पटल पर हिंदी का अपना स्वरूप अटल है, विश्व पटल पर हिंदी का अपना स्वरूप अटल है। हिंदी ही वह भाषा है जिसका स्वरूप सकल है, जिसका स्वरूप सकल है, जिसका स्वरूप सकल है। राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में, राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में गत वर्ष भी कवियों की गोष्ठी हुई। मुझे स्मरण है मेरी कविता श्रवण कर करतल ध्वनियों से सभागार गूंज उठा। आज के कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि रूपेण हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष को आमंत्रित किया। आचार्य व्यासमणि त्रिपाठी के आगत से कवि सम्मेलन का मंच शोभित हुआ। हिंदी प्रेमी सा आचार्य मंजू नायर की उपस्थिति से मंच अलंकृत हुआ आपकी गरिमा मंडित व्यक्तित्व से। एक सम्मानित अतिथि है, अनुपस्थित है, श्रीमती अनस्थीसिया मैडम, उनके संदर्भ में लिखित पंक्ति है, उनकी अनुपस्थिति में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंच अलंकृत हुआ आपके गरिमा मंडित व्यक्तित्व से, सेवानिवृत्त हिंदी अधिकारिणी के पदार्पण से राष्ट्रभाषा हिंदी की अभिव्यंजना को नया आयाम मिला। श्रीमती अनस्थीसिया मैडम हिंदी का पर्याय है, आपकी सक्रियता हिंदी की प्रसिद्धि है। कवि सम्मेलन की शोभा वृद्धि हेतु आगत तीन हस्तियां, राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति हेतु मूलाधार है।
आदर्श शिक्षालय की परिपाटी निराला है, आदर्श शिक्षालय की परिपाटी निराला है, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति अनुराग है, कवि सम्मेलन की यह परंपरा निर्बाध रूपेण कायम रहे यही कामना है। प्राचार्या संगीता मैडम की अनुमति से ने कवि सम्मेलन पर चार छांद लगा दिए। उपप्राचार्या प्रसन्ना मैडम की प्रसन्नता ने इस मंच को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। सत्यन सर हैवन सर के अथक प्रयास से कवि सम्मेलन रूपी मंच को गति मिला। वेंकट सर को यह मंच विस्मृत नहीं कर सकता। इन त्रिवेणियों की वाणी से कवियों को रस मिला। कवियों के प्रति वर्तमान उदासीन भाव को कवि सम्मेलन के माध्यम से बल मिला। भक्ति काल एवं रीति काल को स्मरण कराकर कवियों के मन में आशावादी संचार किया। मैं प्रार्थना करता हूं यह मंच प्रतिवर्ष जीवित रहे हिंदी का प्रचार व प्रसार अनवरत रहे कवियों की गोष्ठी इस प्रकार सदैव मुखरित रहे। मैं विराम करता हूं मेरी वाणी को आपकी आज्ञा लिए। कुआ किसी से नहीं शिकायत, निभाती हूं सबसे मैं तो मोहब्बत। इंतज़ार मुझे है अपने उन अच्छे दिनों का, चमकेगी जिस रोज मेरी भी किस्मत। कि गाए थे गीत मुझ में ही आज़ादी के परवानों ने, की थी अर्चना आराधना मैंने ही माँ भारती के चरणों में। पिरोती हूँ मैं हर भाषा भारतीय भाषाओं को बनकर डोर एक मजबूत सूत्र में न थी कमी न है न कभी रहेगी आपसे कर्मठ मेरे उपासकों की कि है विश्वास मुझे आप सबों पर कि हौसला मेरा है बरकरार आप सबों से ही। लहर जब सिर उठाती है किनारा कांप जाता है, शिखर भी थर थराता है। प्रभंजन जब पग बढ़ाता है कविता को नाजुक कहा गया है तो इसलिए मैंने प्रयोग किया है कि शब्द की डाल की नाजुक कली कहने वालों, कविता जब रोष में आती है सिंहासन डगमगाता है। तो कविता बहुत कार्य करती है। हमारे हनीफ ने, मुझे अच्छा लगा कि उन्हें कविता का प्रयोजन याद है, काव्य प्रयोजन याद है। धर्म कि उन्होंने कहा कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत अरक्षते शांत सद्य पर निर्वर्ते एक शांत काव्य आदि आदि आदि। या उन्होंने कहा कि धर्मार्थ काव्य मुक्षेषु वैचक्षण्यम कलाशु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। अभी हमारे जो हनीफा जी कह रहे थे, मैं उस लाइन को पूर्ण कर रहा हूँ कि कविता करती क्या है, धर्मार्थ काव्य मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलाशु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। मतलब इसका यह हुआ कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो हमारे पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति कराती है कविता। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम, विचक्षणता की प्राप्त कराती है। कलाशु च, उसमें जो निपुणता आए इसकी पूर्ति करती है कविता। वैचक्षण्यम कलाशु च करोति कीर्तिम, आपकी कीर्ति बढ़ाती है। प्रीतिम, प्रीति बढ़ाती है।
क्या क्या नहीं करती है कविता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कविता के आज पाठक कम होते जा रहे हैं, कविता के श्रोता कम हो जा रहे हैं, समाज से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इस पर विचार किया जाना चाहिए, हम सभी लोगों का कर्तव्य है। हिंदी व लौ है कोई तेल से जलता दिया नहीं जो बुझ जाए। हिंदी व लौ है कोई तेल से जलता दिया नहीं जो बुझ जाए, ये युगों से जलता लहू का अमरदीप है। ये युगों से जलता लहू के अमरदीप है जो भटके हुए भाषाओं का प्रकाश स्तंभ है, जो भटके हुए भाषाओं का प्रकाश स्तंभ है। हिंदी व लौ है कोई तेल से जलता दिया नहीं जो बुझ जाए, ये युगों से जलता लहू का अमरदीप है जो भटके हुए भाषाओं का प्रकाश स्तंभ है। अगली छंद मेरी, जड़ कटवा देंगे खरपतवार उगा देंगे, जड़ कटवा देंगे खरपतवार उगा देंगे, वारे आक्रांतों की ख्याली पुलाव। जड़ कटवा देंगे खरपतवार उगा देंगे, वारे आक्रांतों की ख्याली पुलाव। जीप कट जाने से बोलना बंद हो जाता है, जीप कट जाने से बोलना बंद हो सकता है, पर हिंदी की अस्तित्व नहीं। जीप कट जाने से बोलना बंद हो सकता है पर हिंदी की अस्तित्व नहीं, क्योंकि हिंदी कालकंड की तपस्या का वह फल है। हिंदी कालकंड की तपस्या का वह फल है जहां सभ्यता इनकी गोद में पलकर बड़ी हुई है। हिंदी कालकंड की तपस्या का वह फल है जहां सभ्यता इनकी गोद में पलकर बड़ी हुई है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हिंदी वह वट वृक्ष है, हिंदी वह वट वृक्ष है जिसने हर मौसम के इम्तिहान को झेला है। हिंदी वह वट वृक्ष है जिसने हर मौसम के इम्तिहान को झेला है। इतिहास आज भी गवाह है, इतिहास आज भी गवाह है, यह वह नींव है जिसके जड़ की खाद कभी हरिवंश, कभी मुंशी प्रेमचंद, अब चेतन और कुमार विश्वास है। हिंदी वह वट वृक्ष है जिसने हर मौसम के इम्तिहान को झेला है। इतिहास आज भी गवाह है, यह वह नींव है जिसके जड़ की खाद कभी हरिवंश, कभी मुंशी प्रेमचंद, अब चेतन और कुमार विश्वास है। जरा इन ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बने, जरा इन ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बने जो आज इस पेड़ पर सद्भाव के चिड़ियों का बसेरा है। जरा इन ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बने जो आज इस पेड़ पर सद्भाव के चिड़ियों का बसेरा है। हिंदी सामाजिक सौहार्द का वह ठेला है, हिंदी सामाजिक सौहार्द का वह ठेला है जो हर भाषा का गुण गा कर बेचता है। हिंदी सामाजिक सौहार्द का वह ठेला है जो हर भाषा का गुण गा कर बेचता है, पर हिंदी में ही बोलकर बेचता है, पर हिंदी में ही बोलकर बेचता है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम से बंधा हुआ उस दागे की डिब्बे की गांठ हिंदी है। जरा गौर फरमाइए, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम से बंधा हुआ उस दागे की डिब्बे की गांठ हिंदी ही है। गांठ सही तो वस्तु की सुरक्षा सुनिश्चित सही, तभी तो सबको लेकर समेटा एक उपहार का स्वरूप हिंदी है। ये मेरी छंद, इन छंदों में मैंने बहुत जान लगाया और मेरे मित्रों ने भी बोला सत्यन बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साधना की उंगलियों से जब हिंदी को मैंने चरण स्पर्श किया, साधना की उंगलियों से जब हिंदी का मैंने चरण स्पर्श किया, जीवन की सारांश को महसूस किया। साधना की उंगलियों से जब हिंदी का मैंने चरण स्पर्श किया, जीवन की सारांश को महसूस किया कि हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जीवन शैली का परिभाषा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं जीवन शैली का परिभाषा है। हिंदी के प्रति अर्पण, हिंदी के प्रति अर्पण का लक्ष्य तभी पूरी होगी, हिंदी के प्रति अर्पण का लक्ष्य तभी पूरी होगी जब खून का कतरा कतरा, जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी के प्रति अर्पण का लक्ष्य तभी पूरी होगी जब खून का कतरा कतरा माँ भारती पर हिंदी के नाम पर समर्पण हो, हिंदी के नाम पर समर्पण हो। हाँ, हिंदी प्रतिष्ठा का वह हिम है, पिघले तो गंगा
खड़ा तो हिमालय है। आजादी का सबूत तिरंगा बोस यही फहरा गए थे। दिल्ली चलो का जोशीला नारा सुभाष यही पर बोल गए थे। 90 मिनट की शेर गर्जना जिमखाना को भेद गई थी। स्त्री पुरुष बच्चे जवान सब आजाद हिंद में झूम उठे थे। फौजे चलती जनता बढ़ती कदम ताल की चाल सधी थी। श्री विजयपुरम के गली गली में स्वतंत्रता के दीप सजे थे। भारत का यह नन्हा टापू यूनियन जैक से मुक्त हुआ था। आजाद देश का भव्य तिरंगा बोस यही फहरा गए थे। जय हिंद की तब शान सजी थी बंदे मातरम मंत्र बना था। इनकलाबी नारे बुलंद थे, शहीदों का त्याग अमर था। सेल्यूलर का मुक्ति घंटा जोर जोर कई बार बजा था। 30 दिसंबर 1943 के शुभ दिन माँ की जंजीरें यही टूटी थी। भारत माँ के सपूत सुभाष ने नई सरकार की नींव रखी थी। आजादी का जश्न हुआ था। देश गुलामी भूल चुकी थी, INA की धाक जमी थी। उपनिवेशी लौट गए थे, टापू वासी झूम उठे थे। तो ये थे सुभाष बोस, यहाँ पर आए थे उनके सम्मान में। हिंदी के बारे में तो आप हमारे त्रिपाठी सर से खूब सारी बातें भाषा हिंदी के विषय में सुन चुके हो, तो मैं थोड़ी संपर्क भाषा दीपों में बोली जाने वाली भाषा पे अपनी रचना सुनाती हूँ, जिसके माध्यम से आपको भाव समझ में आएंगे कि हमारे दीपों में क्या होता है। राष्ट्रभाषा की बहार आई, तमिल तेलुगु बंगाली मलयाली सभी बोलते भाषा हिंदी, हिंदी आई। जिंदगी की हर डगर हर पहर, हवाई अड्डे गांव शहर जेटी तक, नन्हे टापुओं की जिगर हिंदी। सेल्यूलर के खंडों में हिंदी मुखरित होती, खाड़ी में डोलते बेड़ों के सफर में हिंदी चलती। मोल भाव के बढ़ते ललक में हिंदी छुपी होती। मौसमी फुहारों में भीगती सड़कों में चलते छतरियों तले हिंदी होती। खिलखिलाती चमक दमक में पनपती, आलिशान चमन की महक में उगती हिंदी। श्वेत पसरे रेत पर चलते राहगीरों के पद चिन्हों संग हिंदी बढ़ती। हिंदी के जल क्रीड़ा में संलग्न पर्यटकों को भी भीगती लहरों में नम जुबा पर बोलते हिंदी। छोटे बड़े उम्र दराजों सभी की जुबा पर होते हिंदी। झगड़े फसाद स्नेह सम्मान सबकी जड़ों की कसक हिंदी होती। पुकार पुचकार प्यार दुलार दोस्ती दिलदारी घर मोहल्ले गली गली हर बढ़ती पगडंडी में हिंदी दौड़ती। दीपों में हिंदी आई, राष्ट्रभाषा की बहार आई। दीपों के हरे भरे सहरे पर सजती कोहिनूर सी, बस यह हिंदी है जिंदगी की हर पहर हर डगर लहर लहर हर एक भाषा भाषी के संपर्क में, बस हिंदी है बस हिंदी है। तो ये हुई संपर्क भाषा के बारे में। तो अंत में मैंने कुछ नाम छोड़ दिए हैं बेटियां, जैसे निखिता है, पूजा है, सुजाता है, हमारे आपके टीचर हैं, और साथ ही सामने बैठे हेवन सर और सत्येन सर, सबको मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी भाषा एक है अंडमानीज की, वो मृत भाषा घोषित हो गई है, उसके बोलने वाले ही नहीं हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अपने दीपों में, और हम मुझे लगता है कि हमारे दीप ही ऐसे बचेंगे जो कभी भी हिंदी को नहीं छोड़ेंगे। मैं देख रही हूँ कि मातृभाषा जिसकी जैसे भी हो, वो भूल रहे हैं, अपने घर में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं,
अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना भूल रहे हैं, बोलना भी आज की पीढ़ी भूल रही है, सब हिंदी बोल रहे हैं। हमारे निकोबारी आदिवासी गिटार बजाकर जो है वो हिंदी गीत गाते हैं, हमारे जो अन्य आदिवासी हैं वो ये गीत गाते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले वनों में रहते हैं लेकिन वो गीत गाते हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो ऐसे जैसे आप हवा में सांस लेते हो वैसी स्थिति है। तो हमारा भविष्य हिंदी का बहुत ही उज्जवल है, हम नंबर वन पे आ रहे हैं, ऐसी कोई दुविधा नहीं है। मॉरिशस जैसा देश अपने यहाँ सचिवालय में हिंदी कायम कर रहा है, विश्व में जो बॉलीवुड की फिल्म है वो बहुत ज़्यादा चलती हैं, हमारे यहाँ के जो गीत हैं वो बहुत प्रचलित हैं। और आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप भी कोशिश कीजिए कि हम इसके इस परचम को हमेशा फहराते हुए आगे बढ़ते रहें।